समीध त्रिखर्जी को पर्यटन स्थल घोषित करने के विरोध में पूरे जैन समाज ने मौजूदा भाजपा सरकार के खिलाफ कुर्सी छीनो अभियान शुरू किया है। जनपद मैनपुरी में कस्बा करहल में जैन समाज के सैकड़ों लोगों ने दुकानों पर भाजपा सरकार के विरोध में बैनर पोस्टर लगाकर जैन समाज ने विरोध जताया। पोस्टर में लिखा, भाजपा सरकार में समीध त्रिखर्जी के पर्यटन स्थल घोषित किए जाने का सकल दिगंबर जैन समाज बीजेपी सरकार के इस फैसले का विरोध करती है। जो ईश्वर का घर छीनेगा हम उसका घर छीनेंगे, जो समेत शिखर जी को छीनेगा हम उसकी कुर्सी छीनेंगे। इस प्रकार के पोस्टर कस्बा करहल में चर्चा का विषय बने हुए हैं। अनादिकाल से हम जैन लोगों की आस्था का केंद्र है, यहाँ से हमारे 20 तीर्थंकर मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। बाकी कण कण भूमि हमारे लिए पवित्र है, आस्था का केंद्र है। तो उस जगह को शिखरजी पर्वत को भारत सरकार के द्वारा पर्यटन स्थल घोषित किया गया है। जैन समाज, संपूर्ण भारत की जैन समाज इस सरकार के इस निर्णय का विरोध करती है। जगह जगह बैनर पोस्टर लगाकर जो जैन समाज भारत सरकार का विरोधाभास कर रहा है, क्या पूरा मामला है? मामला ये है कि हमारा समय शिखर पर्वत एक आस्था का केंद्र बिंदु है, जहाँ से हमारे 20 तीर्थंकर मोक्ष गए। हमारा सबसे बड़ा केंद्र है आस्था का। हम ये चाहते हैं कि वहाँ पर पर्यटक स्थल घोषित न किया जाए। अगर वो पर्यटक स्थल घोषित करती है सरकार, तो वहाँ पर हर मनुष्य पहुँचेगा जूते चप्पल लेकर, दारू वगैरह। हमारी जो पवित्रता है वो खंडित हो जाएगी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जनपद मैनपुर के कस्बा करहल में, जहाँ पर समस्त जैन समाज द्वारा सभी जैन समाज के जितने प्रतिष्ठान दुकान है सभी का बैनर लगाकर भारत सरकार का विरोधाभास नजर आ रहा है। क्या पूरा मामला है, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अनुराग जैन। इधर आ जाओ। क्या पूरा मामला है बैनर में जो विरोधाभास है? ये सरकार ने हमारे समेत नगर को पर्यटन स्थल घोषित कर दिया है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। शराब है, जैसे कि मीट है, और भी कई होटल वगैरह खुलेंगे, हर तरीके की व्यवस्था वहाँ हाईटेक लेवल पे किया जाएगा। इससे क्या होगा, हम लोग जो जैन समाज के समुदाय के हम लोग जो लोग हैं वो हम लोग कोई भी अल्कोहल हम लोग लेते हैं, हम कोई मतलब हम लोग